अकाउंटिंग टर्म्स के सीरीज में आज हम लोग बात करने वाले हैं एक न्यू अकाउंटिंग टर्म जिसे बोलते हैं बैड डेट्स। अगर आप भी जानना चाहते हैं बैड डेट्स का मतलब तो हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑफ नॉलेज कैंपस। लेट्स बिगिन। बैड डेट की मतलब क्या होती है, इसे जानने के लिए हम लोगों को सबसे पहले समझना होगा डेटर्स। डेटर्स के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। डेटर्स हमारे बिजनेस के वो कस्टमर्स होते हैं जिन्हें हम लोग क्रेडिट में गुड्स सेल करते हैं। तो जब हम लोग अपने बिजनेस में किसी कस्टमर को क्रेडिट में गुड्स सेल करते हैं तो वो कस्टमर हमारा क्या बन जाता है, डेटर्स। और इन डेटर्स से हमें फ्यूचर में पैसे रिसीव करने होते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमारे कुछ डेटर्स हमें पैसे पे नहीं करते, बिकॉज ऑफ वॉट एवर रीजन वो पैसे पे नहीं करते हैं। और अगर ऐसे सिचुएशन में जब हमें हमारे डेटर से पैसे नहीं मिल पाते हैं तो ये हमारे बिजनेस के लिए एक लॉस होती है और इसी लॉस को हम लोग बिजनेस में बोलते हैं बैड डेट। तो बैड डेट का मतलब क्या है, ये एक लॉस है जो बिजनेस को कब होती है, जब हमारे बिजनेस के डेटर्स अपने ड्यूज क्लियर नहीं करते, डेटर्स जब अपने पैसे बिजनेस को लौटाते नहीं है, तो इस लॉस को बिजनेस में बोला जाता है बैड डेट। तो बैड डेट इज अ लॉस विच टेक्स प्लेस व्हेन अ डेटर फेल्स टू पे हिज ड्यूज। आई होप अब आपको बैड डेट की मीनिंग समझ आ गई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और इसी तरीके के और भी रेगुलर अपडेट्स के लिए, इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।